हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पॉलिटिकल थ्योरी में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, सो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, आप देख सकते हो। और सो आज का मैं ओवरव्यू दे दूं कि आज के हमारे जो डिस्कशन में क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो स्टेट ओरिजिन से संबंधित है, तो इसमें तीन थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक, क्योंकि अगर तीनों थिंकर्स की हम सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, और एक वीडियो हम लोग तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करते हुए बनाएंगे जिससे कि जो थोड़े बहुत डाउट्स आपके बचेंगे वो उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज क्या हम शामिल करने वाले हैं, थॉमस हॉब्स की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम पहले ये समझेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर की मीनिंग क्या होती है, थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देन इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका फॉर्म क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, देन मेजर फीचर्स क्या हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स, देन हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे इस टॉपिक का। क्रिटिसिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज के डिस्कशन का, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है वो ये रहता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करें या एग्जामिन करें थॉमस हॉब्स की थ्योरी, जहाँ पर हमें क्रिटिसिज्म लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो क्रिटिसिज्म को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में डिटेल में जाने से पहले एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो और आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो डिस्कस करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो थॉमस हॉब्स की है। तो पहले मैं बैकग्राउंड अभी डिस्कस करूंगी कि कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे, क्या। उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसकी बेसिक मीनिंग समझते हैं। राइट, जो आप पूरे वीडियोस में पढ़ेंगे उसको मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगी यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके की हाइपोथेटिकल एग्रीमेंट है। अब जैसा कि ऑलरेडी हमने डिवाइन थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी में ये देख लिया था कि स्टेट ओरिजिन में कैसे आया, स्टेट ओरिजिन को लेकर कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है। ओके, तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से स्टेट ओरिजिन या स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आया इसको लेकर थ्योरी दी है। ओके, तो थ्योरी देने से पहले एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, जैसे कि रिसर्च में भी होता है, और उस पूरी थ्योरी रिसर्च के दौरान उस हाइपोथेसिस को प्रूफ किया जाता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन की कि जहाँ पर लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट उस प्रोसेस में लोगों ने अपने कुछ राइट्स को गिव अप किया था, किसको, एक थर्ड पार्टी को, जो स्टेट या सवरेन जिसे कहेंगे अभी हम पूरे डिस्कशन में, और बदले में जो थर्ड पार्टी को क्रिएट किया तो उसको क्या, उसको ओबे करने का प्रॉमिस किया। राइट, कि इस थर्ड पार्टी को हम लोग ओबे करेंगे और ये थर्ड पार्टी इन पर रूल करेगी, ये कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है जो लोगों के बीच में हुआ था कि हम अपना रूलर बनाएंगे, और उस समझौते में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए, जैसे कि इंडिविजुअल्स के राइट्स क्या रहेंगे, या जो हम रूलर बना रहे हैं, जो हम अथॉरिटी बना रहे हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी। ओके, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ये एग्रीमेंट है, ये समझौता है, एक तरीके का रास्ता था कि हम स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आएं। अब स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर स्टेट के एग्जिस्टेंस में आने की पहले की सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी, जहां पर स्टेट अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, इसे कहते हैं स्टेटलेस सोसाइटी या प्री स्टेट सोसाइटी। अब स्टेट ऑफ नेचर जहाँ पर अभी ह्यूमन बीइंग नेचर पे रह रहा है, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी या पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है अभी, मतलब स्टेट नहीं है, तो लोग रह रहे हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर को थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। जैसे थॉमस हॉब्स का हम देखेंगे कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें बहुत ही बैड कंडीशन है, बहुत ही पुअर कंडीशन है,
कैसे क्यों पुअर कंडीशन है, क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो है नहीं। जो पावरफुल है वो अपनी ताकत अपनी फोर्स का यूज़ करके रिसोर्सेस ले रहा है या अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, जबकि जो वीक पीपल हैं जो कमज़ोर लोग हैं वो एक्सप्लॉयटेड हो रहे हैं। तो एक तरीके का वॉर, एक दूसरे के वॉर अगेंस्ट में वॉर हमेशा चल रहा है। तो कंडीशन बहुत पुअर है, बहुत ही नास्टी है, जिसके लिए कुछ वर्ड यूज़ करेंगे अभी थॉमस हॉब्स। ऐसे ही जॉन लॉक एंड जो रूसो हैं उन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का माध्यम बनाया गया, एक रास्ता निकाला गया कि भाई इस कंडीशन से जो स्टेटलेस सोसाइटी है इससे बाहर निकला जाए। अब इसका तरीका ढूंढा गया इससे बाहर निकलने के लिए कि हाँ चलो आपस में एग्रीमेंट करते हैं और एक स्टेट बनाते हैं, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं, हम अपने कुछ राइट्स गिव अप करेंगे। मतलब राइट्स जैसे कि हम अपने ऊपर रूल करने का जो राइट है वो उस थर्ड पार्टी को देंगे। इसमें हमारा क्या फ़ायदा है लोग कहेंगे, तो इसमें हमारा ये फ़ायदा है कि हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, वो जो थर्ड पार्टी रहेगी वो हमें प्रोटेक्ट करेगी कि कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। गेटिंग इट? तो इस तरीके से लोगों ने एक रास्ता निकाला कि स्टेट ऑफ नेचर जिसमें बुरी कंडीशन थी, जहाँ पर स्टेट नहीं था, उससे बाहर निकला जाए। अब ओवरऑल डिस्कशन में आप ये पाएंगे कि स्टेट को आर्टिफिशियली बनाया गया यहाँ पर, कि लोगों ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, आपस में कंसेंट दी कि हाँ नहीं चलो स्टेट इस्टेब्लिश कर दें, तो आर्टिफिशियल क्रिएशन है। ये जस्ट अपोजिट है उन थ्योरीज़ का जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टेट ओरिजन से, जैसे डिवाइन थ्योरी, जहाँ पर स्टेट को गॉड ने बनाया था ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। फोर्स थ्योरी, जहाँ पर फोर्स का यूज़ करके जो फिजिकल फोर्स था राइट, या वॉर के माध्यम से स्टेट ओरिजन में आया था। इसके बाद इवोल्यूशनरी थ्योरी में हमने देखा था कि जो स्टेट था वो नेचुरल ग्रोथ का प्रोडक्ट था ह्यूमन सिविलाइजेशन का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इन सब थ्योरीज़ के कंट्रास्ट में आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग ने, इंडिविजुअल्स ने आपस में समझौता करके आर्टिफिशियली ये स्टेट को बनाया है। तो यहाँ पर आपको दिखेगी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो विलिंगनेस है कि हम स्टेट को इस्टेब्लिश करें एज अ सवरेन, सवरेन मतलब जिसको सुप्रीम पावर दे दे रूल करने की, तो यहाँ पर विलिंगनेस देखने को मिलेगी स्टेट में। तो यहाँ पे डिवाइन पावर का कोई रोल नहीं है, फोर्स का कोई रोल नहीं है, और ना ही नेचुरल ग्रोथ का कोई रोल है। यहाँ पे रोल है तो ह्यूमन बीइंग की आपस में विलिंगनेस को, विलिंगनेस की, जो स्टेट चाहते हैं कि स्टेट होना चाहिए। ओके, अब इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिलेगी। भाई जब एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, तो दोनों पार्टीज़ या जितनी भी पार्टीज़ उस एग्रीमेंट में शामिल हैं उनके बीच में वो आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे। सिंपल सी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन रहती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, वो ये रहती है कि ये जो सिटीजन्स हैं उन्होंने प्रॉमिस किया, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, कि वो ओबे करेंगे जो वो अथॉरिटी या जो सवरेन वो जो स्टेट बना रहे हैं उसको ओबे करेंगे, मतलब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे सिंपली। और इसके बदले में जो स्टेट है वो क्या करेगा, वो सिटीजन्स को, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करेगा। अब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा राइट, कि कोई दूसरा इंडिविजुअल्स उसको एक्सप्लॉइट ना करे, उसके रिसोर्सेज को ना ले राइट, या गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करेगा। तो एक तरीके की गवर्नेंस की मैकेनिज्म बनाई जाएगी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में चलेगा क्या। अगर इतनी समझ आ गई हो आपको जनरल मीनिंग, तो अब हम पर्टिकुलर चीज़ों पर चलते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट मिड 17th century के आसपास इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम आती है कि जो रूलर्स हैं इनको लेजिटिमेसी कैसे प्रोवाइड की जाए। अब सेम चीज़ हुआ था डिवाइन पावर में, जब डिवाइन थ्योरी हम पढ़ रहे थे कि हम जो स्टेट है इसको लेजिटिमेसी कैसे प्रोवाइड करें, तो क्या कह दिया कि भाई ये जो किंग की अथॉरिटी है ना, इसको गॉड ने बनाया है, इसलिए आपको इसे ओबे करना होगा। लेजिटिमेसी बना दी ना, कि भाई रिलीजियस जब टैग दे दिया गया तो लोग उसे ओबे करेंगे, तो इस तरीके से लेजिटिमेसी प्रोवाइड की गई। अब 17th century में कैसे हम लेजिटिमेसी प्रोवाइड करें जो रूलर्स थे, जो जो स्टेट था उसको, तो ये कहा गया
कि भाई इंडिविजुअल्स ने ही तो मिलकर बनाया है इसे, हमारे एग्रीमेंट की वजह से ही तो ये गवर्नमेंट आई है। तो लोगों को लगेगा हाँ भाई, जब हमने ही ये गवर्नमेंट बनाई है, हमने ही स्टेट बनाया है, तो हमें इसे ओबे करना चाहिए, हमें इसके कमांड्स को ओबे करना चाहिए, हमें इस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से पॉलिटिकल लेजिटिमेसी देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज लाई गई, जिससे कि हम स्टेट ओरिजिन को जस्टिफाई कर सकें। गेटिंग इट? ये सिचुएशंस थी पूरी। समझ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी वाला कॉन्सेप्ट आया समझ में कि नहीं? अगर अभी मॉडर्न टाइम में देखें कि जैसे मान लीजिए अभी हम प्रेजेंट में एनडीए गवर्नमेंट को इंडिया में देखें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, राइट, नरेंद्र मोदी, तो आप देखोगे कि वो लेजिटिमेट क्यों हैं? हम और आप जैसे लोग उनके कमांड्स, उनके रूल्स, उनके लॉ को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? द रीज़न इज़ दिस, क्योंकि हमने आपने ही तो इलेक्ट करके उन्हें मेजॉरिटी दी है एनडीए गवर्नमेंट को, हमने ही तो, हमने, आपने और हमारे आसपास के लोगों ने वोटिंग, अपना वोटिंग जो राइट है उसको यूज़ करके उन्हें अथॉरिटी दी है रूल करने की ना, हमने उन्हें सपोर्ट किया है, हमने उन्हें मेजॉरिटी प्रोवाइड की है, तो हम उसे उनकी इस तरीके से प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है। तो इसी तरीके से इसके पहले जब स्टेट ओरिजिन को लेकर था कि भाई हमें स्टेट की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बनानी है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के टाइम पे भी यही चल रहा था। ओके, अब आप देखोगे कि मेन जो ये थ्योरीज, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, कि पहले ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा है उसका एग्जामिनेशन एनालिसिस किया जाता है। जब ह्यूमन नेचर को समझ में आता है तो अब वो भी ह्यूमन नेचर कौन, जो विदाउट पॉलिटिकल ऑर्डर, मतलब जो प्री स्टेट सोसाइटी में, स्टेटलेस सोसाइटी में जो ह्यूमन बीइंग था, उसे स्टेट ऑफ नेचर नाम दिया गया है। मतलब जब एक तरीके से कह सकते हो कि प्रकृति के टाइम पर लोग कैसे रहते थे, राइट, नेचर के टाइम पे, जहाँ पर हमने कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं की थी। अब प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में ये स्टेट डेमोक्रेसी ये सब तो नहीं होता था, लोग जंगलों में रहते थे कबीलों के रूप में, ट्राइबल ग्रुप के रूप में, और ऐसे आपस में रहते थे ना, तो ऐसी सोसाइटीज़ में कैसी ह्यूमन लाइफ थी इसको एग्जामिन किया गया। और जब वो लाइफ अच्छी नहीं थी, वहाँ पे वॉर हो रहा था, लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, तो बट ऑब्वियसली लोग उस सिचुएशन से भागना चाहेंगे, स्केप करना चाहेंगे, और एक पीसफुल स्टेबिलिटी, स्टेबल सोसाइटी बनाना चाहेंगे। गेटिंग इट? तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती है यहाँ पर। तो बेसिकली आप देखोगे कि इसमें ये माना गया कि ये जो लॉ एंड पॉलिटिकल ऑर्डर या जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, ये ह्यूमन क्रिएशन है, इसे हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल क्रिएशन। ओके, सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में तीन हमारे पॉलिटिकल फिलोसोफर इंपॉर्टेंट हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, थॉमस हॉब्स। अब मुझे लगता है ये वाली स्लाइड मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं जॉन लॉक पढ़ाऊंगी तो मुझे नहीं डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ये थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी। अब देखते हैं कि जो थॉमस हॉब्स हैं उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है। सो थॉमस हॉब्स ने ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या बताया है, इगोइस्टिक एंड सेल्फिश, मतलब सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर मोटिवेट होता है ह्यूमन बीइंग, जो इंडिविजुअल का नेचर है, कि उसे बस सिर्फ अपने, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है, उससे मतलब है। ओके, तो अब जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब ह्यूमन बीइंग का नेचर इगोइस्टिक एंड सेल्फिश होगा, तो आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन होगी उस सोसाइटी की, जहाँ पर सभी ह्यूमन बीइंग इगोइस्टिक एंड सेल्फिश नेचर होंगे अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। तो स्टेट ऑफ नेचर, जो स्टेट लेस सोसाइटी थी या स्टेट के एग्जिस्टेंस में आने की पहले की सिचुएशन, ओके, तो वहाँ पर जो ह्यूमन, जो स्टेट ऑफ नेचर था जिसमें ह्यूमन बीइंग रह रहे थे, सो क्या लाइफ थी, पेसिमिस्टिक एंड ब्रुटिश थी। अब जब ह्यूमन बीइंग ईगो एंड सेल्फिश जो नेचर है उससे ड्रिवन होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सिचुएशन है वो अच्छी तो नहीं होगी। इट वॉज जस्ट लाइक दैट कि आपके पास जब तक पावर है तब तक आप चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी पावर कमज़ोर पड़ती है, आपसे ज़्यादा कंपैरेटिवली आपका नेबर पावरफुल हो जाता है, तो आपके पास जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो उसको छीन लेगा। इट वॉज लाइक दैट। तो जो लाइफ थी ह्यूमन बींग की वो बहुत शॉर्ट थी, पुअर थी एंड सॉलिटरी थी, राइट?
तो एक कुल मिलाकर कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो ह्यूमन बीइंग को क्या हुआ कि इस सिचुएशन से, अब ह्यूमन बीइंग रेशनल है तो वो तो चाहेगा ना कि स्टेबिलिटी हो, पीस हो, तो इसके लिए वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, वो आपस में उन लोगों ने क्या समझौता किया कि हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाते हैं। आपको थोड़ा स्टोरी जैसा या मतलब इलॉजिकल साउंड कर रहा होगा, आई कैन गेस दैट, क्योंकि मुझे भी हो रहा था जब मैं पहली बार पढ़ रही थी। बट जब थ्योरीज होती हैं तो हम ऐसे ही होती हैं, हमें ऐसे ही पढ़ना होता है, ऐसे ही समझना होता है। ओके, तो ऐसा इलॉजिकल जैसा कुछ मत सोचो आप, बस लॉजिक समझने की कोशिश करो कि उस समय इस पॉलिटिकल अथॉरिटी को लेजिटिमेसी है वो कैसे प्रोवाइड की गई। ओके, तो यहाँ तक हो गया स्टेट ऑफ नेचर, थॉमस हॉब्स का समझ आ गया। अब देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो लोगों को भाई भागना था उस कंडीशन से, तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, एक अथॉरिटी बनाएंगे। तो अब एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसके पीछे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, अटेनमेंट ऑफ द पीस, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ प्रोटेक्शन, मतलब सिक्योरिटी होना, सुख शांति होना समाज में, ये सब चीज़ें। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौते में आए। इस समझौते में, इस प्रोसेस में क्या हुआ, इंडिविजुअल्स ने अपनी जो पावर्स थी ना, अपने जो राइट्स थे, वो सरेंडर किए एक थर्ड पार्टी को। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थॉमस हॉब्स के उसमें, कि जो थर्ड पार्टी है ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। जबकि जॉन लॉक में हम देखेंगे कि इवन जो ये सवरिन पार्टी रहेगी ये भी कॉन्ट्रैक्ट के का एक पार्ट है, इसके साथ भी समझौता हुआ है, जबकि थॉमस हॉब्स में ऐसा नहीं है। थॉमस हॉब्स में लोगों ने मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके एक थर्ड पार्टी बनाई जो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। ओके, ये डिफरेंस रहेगा, हम देखेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का नेचर एंड फॉर्म क्या था, तो यहाँ पर सभी पर्सन ने अपने कुछ कुछ जो राइट्स हैं उसको गिव अप किया इक्वल सेंस में। ओके, इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, और इस थर्ड पार्टी को वो कंसीडर करेंगे कि ये उनकी रूलर होगी, ये उनका सवरिन होगा, मतलब जिसकी जिसके कमांड्स, जिसके लॉ को इन्हें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और इस तरीके से हमारी थर्ड पार्टी जो सवरिन है, जो रूलर है, वो एग्जिस्टेंस में आता है। यहाँ समझ आया, स्टेट ऑफ नेचर समझ आया, थॉमस हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया। अब बात करते हैं कि भाई जो हमारे इंडिविजुअल बीइंग हैं ये क्यों ओबे करेंगे सवरिन को, जो ये सुप्रीम पार्टी या थर्ड पार्टी जो क्रिएट की है, तो इंडिविजुअल इसके कमांड्स को क्यों ओबे करेंगे। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हम एनडीए गवर्नमेंट के जो, जैसे हमारे जो प्रेजेंट पीएम हैं, उन जो जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है जैसे हम कहते हैं, उसके लॉ क्यों मानते हैं, हम ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो करते हैं, राइट, हम सारे जो दूसरे लॉज हैं उन्हें क्यों फॉलो करते हैं, राइट, हम जो ड्राइविंग करते हैं वो अपने जो लाइसेंस के साथ क्यों करते हैं, हमें बिना लाइसेंस के क्यों नहीं ड्राइव कर सकते। तो हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कमांड्स जो है गवर्नमेंट, उसको क्यों ओबे करते हैं। तो सेम वॉज देयर कि जो ये सवरिन बनाई गई है, थर्ड पार्टी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाई गई है, उसे हम क्यों ओबे करें। तो पहली बात तो ये कि पनिशमेंट, अगर आप सवरिन को डिसओबे कर रहे हो तो सोसाइटी में पीस एंड स्टेबिलिटी, हारमोनी बनाए रखने के लिए कुछ पनिशमेंट की मैकेनिज़म्स बनाई जाएगी ना, ताकि सोशल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। देन सेकेंड चीज़, मॉरल कंसिडरेशन ये है कि भाई इंडिविजुअल्स को कम से कम अपने कॉन्ट्रैक्ट की तो रिस्पेक्ट करनी होगी ना, जैसे होता है ना कि कम से कम मेरी बात की तो रिस्पेक्ट करो। ओके, तो इन द सेम मैनर इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने, आपने मिलकर ये समझौता किया, तो उस समझौते की तो रिस्पेक्ट करें, यू हैव टू गिव द ऑनर टू देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक मॉरल कंसिडरेशन रहेगी, इसलिए ओबे करना है हमने उसे, कि हमने आपने ही तो मिलकर बनाया है इसे, सो यू हैव टू ओबे द कमांड्स ऑफ द सवरिन। ओके, देन ये जो सवरिन है ये अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये लेजिटिमेट या अथोराइज्ड क्यों है, क्योंकि हमने, आपने अपनी कंसेंट दी है कि वो हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेगा, राइट। जैसे हमने अभी मॉडर्न टाइम पे क्या होता है, हमने, आपने मिलकर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं और गवर्नमेंट बनाई है, तो वो अथोराइज्ड है हमारे बिहाफ में एक्शन लेने के लिए,
और रूल बनाने के लिए और हमें वो ओबे करने पड़ेंगे। इन द सेम मैनर हमने आपस में समझौता करके कॉन्ट्रैक्ट करके ही तो ये थर्ड पार्टी बनाई थी। सो वो थर्ड पार्टी को हमने अथोराइज किया है, हमने लेजिटिमेट किया अपनी कंसेंट देकर। सो इसकी वजह से हमें इसे ओबे करना होगा। ओके, देन मोरल ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो कंसेंट पे बेस्ड है इंडिविजुअल्स के। देन इंडिविजुअल्स की जो डिज़ायर थी, जो एस्पिरेशंस थी कि हमें पीस एंड हार्मनी में रहना है, यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर होना चाहिए। ओके, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हम ओबे करते हैं सवरेन को। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, मेजर फीचर्स देख लेते हैं कि थॉमस हॉब्स के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके मेजर फीचर्स क्या हैं। तो सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी साइमल्टेनियसली क्रिएट हुई। मतलब फर्दर इसे एक्सप्लेन करें तो जो स्टेट एंड गवर्नमेंट को हमने साइमल्टेनियसली क्रिएट किया। ये पॉइंट मैं क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब हम जॉन लॉक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जॉन लॉक ने जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके दो स्टेप बताए हैं। पहले स्टेप में इंडिविजुअल्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके पहले सिविल सोसाइटी बनाएंगे, ये जॉन लॉक के उसमें है। देन सिविल सोसाइटी जब बन जाएगी उसके बाद हम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो टू स्टेप में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि थॉमस हॉब्स के उसमें क्या है, बस एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उस सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में हमने सिविल सोसाइटी भी बना दी और हमने पॉलिटिकल अथॉरिटी भी बना दी। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर या जो स्टेट है, इसके एग्जिस्टेंस में आने के पहले जो सोसाइटी थी ना, वो स्टेटलेस सोसाइटी थी, अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी, राइट। तो हम जो थॉमस हॉब्स हैं, इसमें जो ये सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी को हमने साइमल्टेनियसली क्रिएट किया है एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। देन फर्दर डिस्कस करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स ना कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने, एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हुए हैं और इसके बदले में उनकी बेसिक इक्वालिटी को गारंटी करेगा जो थर्ड पार्टी रहेगा। अब यहाँ पे बेसिक इक्वालिटी मतलब कुछ बेसिक फ्रीडम्स, बेसिक इक्वालिटी मिलेगी लोगों को, क्योंकि स्टेट ऑफ द नेचर मतलब ये जब थर्ड पार्टी नहीं थी, इसके पहले क्या था, कोई इक्वालिटी नहीं थी। जो पावरफुल था उसकी तो मतलब मौज थी उस सोसाइटी में, जो वीकर पर्सन था वो हमेशा दबा कुचला रहेगा। गेटिंग इट? तो इसी तरीके से इस एग्रीमेंट में कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने के लिए इंडिविजुअल्स एग्री हुए और उन्हें बदले में इसके बेसिक इक्वालिटी गारंटी करेगा जो थर्ड पार्टी जो हमने सवरेन बनाया है। ओके, देन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट का, जो सवरेन है वो इंडिविजुअल्स को इक्वल सेंस में ट्रीट करेगा, वो चाहे वो जस्टिस देने के मैटर पे हो, चाहे वो टैक्स लगाने के मैटर में हो, हर एक एस्पेक्ट पे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का ये है कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये परमानेंट है। जबकि जॉन लॉक में हम देखेंगे कि अगर ये थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट बनाई है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पूरे कर पा रही है तो हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। जबकि थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ परमानेंट इन नेचर। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जो सवरेन की पावर है वो अनलिमिटेड है। ओके, अनलिमिटेड है, इस ये ऑब्सोल्यूट है। जबकि जॉन लॉक वाले में हम देखेंगे कि जो सवरेन की पावर है वो लिमिटेड है, राइट, वो ऑब्सोल्यूट नहीं है। बट कि थॉमस हॉब्स ने ऑब्सोल्यूट पावर दी है सवरेन को, अनलिमिटेड पावर दी है। सो दीज आर द मेजर फीचर्स। ओके, तो हमने ये देख लिया। अच्छा हाँ, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये रिपीट हो गया। ओके, देन क्रिटिसिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करते हैं हम। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं या जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जो हॉब्स ने दी है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखा ना कि किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। जैसे कि रूलर को, जो थर्ड पार्टी है उसको कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया। जो थर्ड पार्टी है, जो रूलर है, जो सवरेन है, दैट इज़ नॉट द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने इसे एक्सप्लेन किया है पहले।
आर्टिफिशियल गवर्नमेंट का ये मतलब है कि बहुत सारे जैसे इवोल्यूशनरी थ्योरी वाले जो उसके जो सपोर्टर हैं वो क्रिटिसाइज करेंगे कि जो स्टेट का एग्जिस्टेंस है ये नेचुरल ग्रोथ का प्रोडक्ट है, इंस्टीट्यूशन है। तो जो इवोल्यूशनरी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज को कि ये आर्टिफिशियल इन नेचर है। ओके, देन ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी जो प्रोवाइड की है थॉमस हॉब्स ने, तो ये भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इस तरीके से जो हमारा रूलर होगा वो अपनी पावर को अब्यूज़ कर सकता है, कि गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल कर सकता है अगर आपने ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी है। तो इसके बाद से कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जिस तरीके से हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन किया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अनरियल एंड मिसलीडिंग है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो नेचर है वो हमेशा इगोइस्टिक एंड सेल्फिश नहीं रहता। ह्यूमन बीइंग रेशनल इन नेचर है, तो उसका जो जो बिहेवियर है वो गुड एंड बैड दोनों है, उसमें कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग भी है, कुछ बुरा भी है अच्छा भी है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि दिस इज़ कंप्लीट जो स्टेट ऑफ नेचर वो क्या है, इगोइस्टिक एंड जो सेल्फिश नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग है उस पे बेस्ड है। तो इसको लेकर क्रिटिसाइज किया गया है। देन हॉब्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट कर दिया है, तो फिर लोगों ने कहा कि इस तरीके से तो एक हम टायरनी इस्टेब्लिश हो जाएगी सोसाइटी में कि भाई गवर्नमेंट अब परमानेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेजेंट में जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल NDA गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है, उसको ये पता चल जाए कि परमानेंट वही गवर्नमेंट रहने वाली है, तो हो सकता है वो अपनी पावर को मिसयूज़ करने लग जाए, क्योंकि अब तो वोटिंग होनी नहीं है 5 साल बाद की। अगर भाई गलत करेगी, पावर का मिसयूज़ करेगी, तो जो इंडिविजुअल्स हैं उसे नेक्स्ट टाइम मौका नहीं देंगे। ओके, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को जो परमानेंट बना दिया गया, तो लोगों ने इसे भी क्रिटिसाइज़ किया। देन इसके बाद से जो पीपल्स की सिविल लिबर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया है हॉब्स ने, वो कैसे, कि जो सवरिन है उसको ऑब्सोल्यूट पावर है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, राइट? आपको ओबे करना पड़ेगा सवरिन को कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आप क्रिटिसाइज कर सकते हो थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को। तो यही था बस आज के वीडियो में थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, या थॉमस हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस है वो क्या है। फिर हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस किए और देन लास्ट में हमने क्रिटिसाइज किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन लॉक एंड रूसो के कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।